खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की, जहां पर यातायात माह नवंबर समापन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी वे वही एसपी महोदय व आरटीओ अनिल त्रिपाठी मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं व अध्यापकों ने भाग लिया। जनपद उन्नाव के जनसत्ता दल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रथम स्थापना दिवस को जनसेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाकर जनता की समस्याओं को उठाया। वहीं जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के कार्यकर्ताओं ने उन्नाव दरोगाबाग जिला कार्यालय पर पार्टियों की नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भदौरिया ने कहा कि जनसत्ता दल में सभी ज्यादा से ज्यादा जुड़कर पार्टी को मजबूत बनाए। पाकिस्तानी परिवार से जुड़े सदस्यों का परिवहन उन्नाव की नगर पंचायत मोहान पहुंचा। मोहान चेयरमैन ने स्वागत कर मोहान का भ्रमण कराया। वहीं आपको बता दें कि आसमा अपने शौहर मसरूर अहमद के साथ मोहान घूमने पहुंची। वहीं तामीरे मिल्लत मदरसे में पहुंचकर उन्होंने नमाज अदा कर माथा टेका। यूपी के जहांगीराबाद निवासी धर्मेंद्र मिश्रा की होनहार बेटी हिमसिका मिश्रा का बिहार न्यायिक सेवा के घोषित हुए परिणाम में 83वां स्थान प्राप्त कर जहांगीराबाद में मिश्रा परिवार का नाम रोशन किया। सिंह जी, जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, कितने घंटे की प्रैक्टिस आपने, मतलब पढ़ाई की है, कितना मेहनत किया आपने? जी, रेगुलरिटी रखती थी, पढ़ाई में पढ़ती थी, जितना टारगेट पूरा एक बनाती थी उस टारगेट को पूरा होने तक पढ़ती थी, जो कि 7-8 घंटे मिनिमम एक दिन में चला जाता था। एक्सीड भी कर जाता था, लेकिन हाँ, टारगेट पूरा करती थी। अगर कोई भी बुक उठा लेती थी, पर्पस रहता था पूरा करना है उसको। कितना मेहनत लगा आपको? मेहनत तो बहुत की, दिन रात की मेहनत तो चार से पाँच साल का समय लगा। 2014 में मेरी LLB पूरी हुई, फिर LLM किया, उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साथ ही साथ तैयारी भी कर रही थी। खबरों में बात करते हैं बुलंदशहर के, जहां किसानों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद विद्रोही के मौजूदगी में छोटी काशी अनूपशहर में शुरू हुई पदयात्रा बुलंदशहर पहुंची, जहां पर किसानों ने यात्रा का फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया। यात्रा में कौन निकले आप? हम लोगों ने 24 नवंबर से यह पदयात्रा छोटी काशी अनूपशहर से शुरू की है और 11 मांगों को लेकर के हम लोग 6 दिसंबर तक संसद में पहुंच रहे हैं। हमारी मुख्य मांगों में पहली मांग ये है कि आज तक किसी भी क्रांतिकारियों को कोई भी राजनीतिक पार्टी ने सत्ता में आकर कोई सम्मान नहीं दिया है, उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो 2014 में BJP सरकार हमसे वादा करके गई थी कि किसानों की लागत का 1.5 गुना मिलेगा, वो किसानों की लागत का 1.5 गुना मिले हमको। तीसरी मांग में हमारी ये है कि सीमांत और लघु किसानों का टोटल कर्जा माफ़ होना चाहिए, किसानों को बिजली हरियाणा और पंजाब की तरह बिल्कुल मुफ्त मिलनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 100 रुपये किलोवाट और शहरी क्षेत्र के लिए 200 रुपये किलोवाट मिलनी चाहिए, शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए, नर्सरी से लेकर के PhD तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए।